Hey guys, what's up? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। तो दोस्तों, रात के लगभग 9:30 हो रहे हैं और इस वक्त मैं निकल चुका हूं मनीषा के घर जाने के लिए। क्योंकि रात को इसलिए जा रहा हूं क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं, और फिर सुबह मेरे को आना भी है कल। हालांकि संडे है लेकिन कल मुझे स्कूल में कुछ काम भी है और अर्जेंट काम है, इसलिए मेरे को फिर स्कूल भी आना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों से बता दूं कि अभी मैं जा रहा हूं तो फिर यहां से मनीषा का दूर ज़्यादा, मनीषा का घर ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं जाऊंगा तो वापस आ भी जाऊंगा तुरंत, तो आप लोग बने रहो। मनीषा को लगा कि मैं नहीं आऊंगा, तो मैं नहीं आऊंगा और वापस फिर आ जाऊंगा, और कुछ काम है वो काम भी कर लेंगे, और जो ये साड़ी वगैरह ना ये सब दे दूंगा तो वो अपना प्रिपेयर भी करवा पाएगी। हालांकि उसका साड़ी तो शायद होली का वो ले चुकी है, मैंने उसको दिला दिया था एक बार। मैंने नहीं दिला था, मैंने पैसे भेज दिए थे, तो बोली कि टाइम लगता है ना स्टिचिंग में क्योंकि होली का भीड़ भाड़ आपको ही पता है, जल्दी से अब 2 दिन पहले कहाँ ही सिल के मिलेगा, परसों होली है। तो अगर ये ड्रेस स्टिच हो पाया तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए, बन रही आप लोग और वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और बस रात को सड़क कितनी सुनसान है। छोटू कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी पहुंच तो चुके हैं हम लोग घर पे, ये हंसी मेरे को क्यों आई है मैं बाद में बताऊं। मनीषा कैसे बड़ू? पतले लग रहे हैं। पतले लग रहे हैं? अरे हम प्रणाम, हम मम्मी सोच के प्रणाम करने जा रहे हैं। कर प्रणाम कर, खूब खुश रहो। वही तो हम देख रहे हैं, प्रणाम किया, खुश रहिए। मम्मी कहाँ है? खूब खुश रहो। नहीं चाहिए तो बता दो, ज्यादा है तो नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। मैंने भी शॉपिंग किया है ना। तुमने शॉपिंग किया? मेरे पास कमी थोड़ी। मैंने शॉपिंग किया, ये मम्मी ने दिया है तुमको। वाह, ये सारी इसमें इसमें ये भी है, पैसा भी दिया है चूड़ी बिंदी के लिए। 1000 इतना ज्यादा पैसा मिला है चूड़ी बिंदी के लिए। चलिए उसका थी से मिठाई मम्मी का। तो गाइस जैसे कि आपको पता है होली है रंगों का त्योहार है, स्किन पे बहुत सारे गुलाल अबीर लगेंगे, लेकिन स्किन का केयर करना साइमल्टेनियसली कितना जरूरी है। जैसे मनीषा का चेहरा अभी चमकते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये चमकने के कारण इनका रीजन जो है ये है क्योर स्किन का। अभी फेस वॉश ये रखी हुई है बाथरूम में, तो क्योर स्किन का फेस वॉश ही यूज़ करती है। अच्छा चलो गाइस, एक ना मैं आप लोगों को एकदम नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। हम लोग ना जनरली तो बहुत सारा वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे क्योर स्किन के वीडियोस हमने डाले भी हुए हैं, आपको देखने को भी मिला होगा कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट है। अब जैसे मनीषा का ही केस देख लो, क्योर स्किन के बारे में बताओ ना। क्योर स्किन एक डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है जिससे आप अपने फेस स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है ना, अगर आपको फेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं मुझे स्किन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो आप स्किन डॉक्टर को दिखाने के बजाय आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर ट्राई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर मैं सीधे सीधे मैं अगर बात बताऊँ ना, तो यहाँ पर आपको एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर्स खुद गाइड करेंगे। अब जैसे मनीषा का चेहरा ही देख लो, एक आपको दो स्क्रीन दिख रहा होगा, मनीषा का पहले स्किन कैसा था और बाद में कैसा था। पहले स्किन टेस्ट में ना इसके स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखे, लेकिन कुछ महीने बाद ना इसके स्किन में बहुत कम प्रॉब्लम दिखे, और अभी जब स्कैन करूँगा ना अभी चेहरा दिखाएगा तो अभी इसके स्किन में और भी कम प्रॉब्लम दिखेगा। क्योंकि रीज़न है ना कि आप स्किन को मेंटेन करते हो, वो भी ये भी बताते हैं कि ज़्यादा आप कौन से फ्रूट्स खाओ स्किन पे ग्लो आएगा, सब कुछ बताते हैं। और ये किट जो आया था ना ये ऑलमोस्ट 1500 रुपये का बन के आया था,
आपका फेस स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद ना, और पास ले कैमरा, स्कैन होने के बाद ना आपका जो फेस होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग किट बनता है। मनीषा का किट ऐसा बन के आया, आपका किट आपके फेस के अकॉर्डिंग बन के आएगा। और ये किट ना 1500 का हमें पड़ा था, लेकिन आप हमारा कूपन कोड सचिन250 यूज़ करेंगे ना तो आपको 250 रुपये का और भी डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना ही नहीं, हर 20-21 दिन में डॉक्टर्स आपसे रेगुलर फॉलोअप लेते हैं। इफ़ इनकेस अगर आपको बीच में मन कर रहा है तो आप भी चैट के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। और तो और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये आप सोचो ना 1500 रुपये में ना आपका 2-4 दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक चल जाता है एक बार का अगर किट आता तो। ये अगर आपको मैं टोटल बोलूँगा ना कि सारे किट्स दिखाओ तो मैं आपको दिखा दूँगा, मेरे पास कम से कम 4-5 किट हो गए होंगे। तो ये सारा क्योर स्किन के लिए, तो थैंक्स टू क्योर स्किन। बाकी बहुत सारे लोग ऐड वगैरह भी करते हैं या फिर हम लोग भी, आप सोच रहे हो प्रमोशन है, प्रमोशन ही समझ लो, लेकिन ये वाकई में मनीषा यूज़ करती है। इसका फेस वॉश जो है ना, और सनस्क्रीन, सनस्क्रीन तो भाई अब धूप का मौसम है आपको बाहर जाने जाते टाइम यूज़ करना ही करना है, क्योंकि आपकी स्किन को ना यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। और फेस वॉश इसका लगाओगे ना स्किन इतना हेल्दी लगता है ना, इतना सॉफ्ट लगता है कि क्या ही बताऊँ। अभी मनीषा का चेहरा वही में आता है तो देखा होगा, अरे तुम्हारा चेहरा तो पहले से बहुत निखर गया है। तो ऑल थैंक्स टू क्योर स्किन। बाकी अभी मनीषा अपना सब कुछ सामान वगैरह दिखा रही है, तो चलिए वो चीज़ देखते हैं। सुबह शाम मुंह धोती रहो ऐसे। अभी थोड़ी देर बाद मेकअप रिमूव करूं। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूं। कैमरा लेके आए, कैमरा। तो गाइस अभी आ गए हैं, मम्मी का एक मम्मी को दे देना, एक तुम रख लेना। लक्ष्मीपति तो चले गए थे मार्केट अभी। हाँ आए हैं मार्केट से 8 बजे। तो गाइज अभी मैं आपको बता दूँ, मनीषा का चेहरा पहले से चमक रहा है। तो गाइज नाश्ता वास्ता तो आ चुका है, और नाश्ता मेरे को आया है अंगूर। ये क्या है? ORS है, मेरा तबीयत ठीक है। देखिए स्टोन लगाया हुआ लेके आए हुए हैं। बोले तुमको स्टोन वाला नग वाला पसंद है ना, तो बोले नग वाला मिठाई लाएंगे इस बार, एकदम यूनिक डिजाइन का मिठाई। नग लगा हुआ सही में, ये नग कपड़ा वपड़ा में चिपकता है, चॉकलेट है सारा, पता है तुमको। शर्ट में चिपकाना पड़ेगा तब, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के साड़ी में। ये मलाई वाला है, वो मूंग दाल का है, मेरा फेवरेट है। अंगूर, ड्राई फ्रूट, लिमका, ये तो लग रहा है पेट वेट में गैस वैस होने वाला है, उसके बाद लिमका पी के अपना। ये मिठाई ही रखी क्या? मिठाई एक ही नहीं, इसी में रख दो, एक खा लेंगे बस। छोटू को दे दो, छोटू क्या कहते, ये वाला दे दो, नग वाला। कौन सा? नग वाला दो, नग वाला ट्राई करे क्या छोटू? छोटू बहुत शर्मा रहा है। छोटू मेरे से शर्माता ही। तब तुम क्या क्या कपड़ा खरीदे हो दिखाओ। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरा सिक्रेट। अच्छा अपना लुक नहीं दिखाएगी? नहीं जी, हम तो कुछ तैयार ही नहीं किए हैं उसके लिए, होली के लिए। मेरे लिए भी गाइस कपड़ा खरीद के रखिए ना। मम्मी बोली थी ना तो वो कॉल ही हम लोग गए थे, लगा कि अभी वो वो तो हम आज अपना लेके ये आए हैं। लिपस्टिक, मम्मी को लिपस्टिक तो इतना रख ले, लिपस्टिक का ले लूँ। ये लिपस्टिक लाए हैं अलग अलग से, हाथ पे से अभी वो हाथ पर लगा हुआ है ऐसे। और ये लाए हैं होली के दिन लगाएंगे। वाह जी वाह जी वाह, काजू तुम पूरा रास्ता वो खा खा के हैं एक डिब्बा। ये साड़ी बोल रही थी नहीं है, कॉटन का साड़ी। अच्छा की मेरा कपड़ा, आपका कपड़ा ये है। तो भाई मेरा, मेरे लिए भी कपड़ा खरीद दिया, स्पार्की का है पूरा तैयारी। स्पार्की का ये कौन ब्रांड है? अच्छा ब्रांड है, नया दुकान आने वाले टाइम में अपना ब्रांड आएगा। ये देखिए जी, मेरा सब कपड़ा रिवील कर दिया, अपना कपड़ा नहीं दिखाएगी। ये क्या है लाल रंग का पापा का? हाँ। कुर्ता पजामा। मैंने कोई इतना कमेंट किया था ना कि तुम अपने माँ बाप के लिए कपड़ा नहीं खरीद रही, अभी तक मम्मी के लिए ना पता है कितना कॉम का साड़ी, क्योंकि मम्मी है भी नहीं पहनती है, इसलिए हम बोले ले लेते। तो लास्ट जगह सुना रही थी दोनों, दादी के लिए मम्मी के लिए एक ही निकला है भाई, गर्मी का दिन है डेली पहनने वाला ही सही। चलो भाई अभी नाश्ता वास्ता करते हैं। तो दोस्तों फाइनली क्या बोल रही है मम्मी? चाहती नहीं है कि हम बोले कि हम खा लिए, हम खाली खिलाने के चक्कर में रहती है, बोल रही खा लिए फिर बोले खा लिए। और इसी के साथ मैं भी खाना पीना खा चुका हूँ, अब रात की 11 बज रहा है, पापा मम्मी बस अकेले हैं घर पे, तो मैं निकलूँगा। और पता है
ज्यादा दूर नहीं है, 15-17 मिनट का है, लेकिन अगर यही दिन में आना था 1 घंटा लग जाता है भाई। नहीं तो वहाँ पे खाली मम्मी है, पापा है, जेरी है बस। शादी ब्याह में भी आते हैं तो नहीं रुकते हैं, बोलते नहीं वहाँ वाईफाई के लिए जा रहे हैं। अरे मम्मी पापा जेरी बस, अब तुम सोचो ना आज ही गया ना वो लोग तो जेरी को फिर घुमाने उमाने के लिए। छोटू छोटू रहता तो कोई बात नहीं है। कैमरा ओपन करते हैं तभी अपना कैमरा देख रही है। चलिए रील बना लो, अंधेरा में बना लेंगे आप। वैसे लाइट चाहिए, इसका लाइट मंगाना पड़ेगा, एक कैमरा वाला जो लाइट नहीं आता छुटका। ये पापा का भी एक कैमरा है, मेरे पापा फोटोग्राफर है, उनसे उनको पता होगा ये फोटो वाला, फोटोग्राफर है पापा मेरे। कैसे बोलती है मेरे पापा? नहीं उल्टा पकड़े हैं, ये दबाना होता है ये। नहीं ऑन तो करो लेंस का, पहले ढक्कन तो हटाओ। ऑन है यहाँ। अच्छा वो मिस्टू भाई का याद आ रहा है उनको। आप उसको ऑन करो कैमरा को, घुमाओ उसको गोलका को। ये नहीं उसका, हाँ उसको आगे नहीं, वही गोलका जो, हाँ ऑन करो ऑन की तरफ। हाँ 30% चार्ज है भाई, टच काम कर रहा है इसका। 30% चार्ज दिख रहा है। हाँ मेरे को 30 पहला बार में दिखा, पता नहीं खिंचाएगा कैसे। इसमें आँख वाले में देखो, आँख वाले में देखो, इतना पास से थोड़ी, पूरा चिपका के देखो। अरे आँख से जहाँ से देखा जाता है, आँख कहाँ से देखा जाता है कैमरा में? यही से देखा। हाँ तो वहीं से देखो, कोई से देख रहा, और पास में करो, पूरा आँख से घुसा के उसमें। हाँ अब दिखा, लेकिन आप बहुत दूर दिख रहे हैं। दूर दिख रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहा है ना स्मार्ट। हाँ पर कौन सा दबाए? वही बटन ना जो घुमाई है ना गोल का, उसी के ऊपर एक बटन है। आधा दबाएगी तो फोकस हो जाएगा, पूरा दबाएगी तो खिंचा जाएगा। तो कैमरा से फोटो खींचना सिखा रहा है, देख सकते हो आप लोग, ये फोटो खींच रही है। बस बस कहाँ से आएगा? प्ले बटन से, ये वाला बटन से। हाँ अच्छा खींचे, और भागेगा ना इससे? भागेगा, भागेगा क्या होता है? नहीं इसे दूसरा कैसे आएगा, स्लाइड करने इसी करके ऐसे इसको इसको दबाओ गोल का। आज ही सीख लेगी सब। चलो गाइस तो बाकी अब निकलते हैं यहाँ से है ना। इतनी ने बदमाश लड़की है, निशा देख लीजिए सो गई है। नहीं आई बाप, आई बाप मैं नहीं दिखा रही। हाय हाय मार के सुता दी है पिटाई का जी। नहीं निशा का रिजल्ट आएगा जी। और कल अब सुबह कल अपना शूट उट करके आएंगे। ठीक है मम्मी चल रहा है, ढाला को बनवा दिए हैं आप लोग बीच में कि ढाला को जाना ना पड़े तो ढाला को ऐसे 1 घंटा सवेरे जाए तो फिर परसों आए तो होली के दिन है। परसों होली के दिन है, शाम के अभी लगा। अरे टी शर्ट पहने, सर्दी खत्म हो गया। चलो गाइस बाय बाय।